फाइनली अभी टॉप बॉक्स खाली कर रहा हूँ, अभी पैकिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल इमीडिएटली निकलना है। अभी ये सारी चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ, बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मैंने पैक करके रख दिया, लेकिन बस ये चीज़ें जो मैंने जंस्कर से ली थी वो घर लेके जाना पड़ेगा। तो ये है, अभी इसमें शायद मैं कपड़े भरूंगा मोस्टली। तो जंस्कर राइड के लिए मैं जो जो सामान लेके गया था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। देखो इन्फ्लेटर, एक्सपर्ट ट्यूब्स, ये सब चीज़ें, तो ये अभी बंद कर दूंगा, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट राइड में काम आ जाएगा। तो ये रही अपनी नई टैंक बैग कम टेल बैग, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, आपके काफ़ी काम आ सकता है, स्पेशली इफ़ यूर प्लानिंग लद्दाख ट्रिप। या मेरे पास अगर, मतलब मैं अगर वर्सेस लेके जाता लद्दाख राइड के लिए तो डेफिनेटली ये लेके जाता। ओके, तो ये देखो, ये है टैंक बैग, काफ़ी बढ़िया यार। और ये इसका रेन कवर, ठीक है। ये है इसके स्ट्रैप्स जो इसको लगेंगे। तो मैं तो इसको मोस्टली एज अ टेल बैग यूज़ करूँगा क्योंकि पीछे बहुत बड़ी सीट है, तेंदुए की तो कोई टेंशन नहीं है। और इसमें एक लैपटॉप स्लीव भी है, रुको दिखाता हूँ। और ये जो टैंक बैग है, दिस इज़ फ्रॉम इनस्केप डिज़ाइंस, ये वही ब्रांड है जिसका एक्सपल्स का अपना जो विंडशील्ड है ना, ये वही वाली ब्रांड है। तो विंडशील्ड मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये बैग भी अपन यूज़ करके देखेंगे। अभी देखो इसको यहाँ पे ना, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और ये वाला कितना बड़ा पॉकेट है, देखो, ओ माई गॉड, ये एक्चुअली बड़ी बड़ी टैंक बैग है। तो एक, दो और तीन, तीन मैग्नेट है, बड़े साइज़ के मैग्नेट है, बहुत बड़े साइज़ के मैग्नेट है। तो डेफिनेटली अच्छे से चिपक जाएगी, जस्ट इन केस इफ़ यू हैव अ मेटल टैंक। मतलब इसके अंदर लैपटॉप स्लीव है, यहाँ पे स्पंज है और यहाँ पे स्पंज है, तो लैपटॉप सेफली रहेगा। और इनफैक्ट इसमें 15-16 इंच का लैपटॉप भी आराम से चला जाएगा, ये बहुत बड़ा है, अपने लैपटॉप तो बहुत छोटा है, तो ये तो ऐसे ही चला जाएगा, ये तो इसी में चला जाएगा। और ये जो इनस्केप की टैंक बैग कम टेल बैग है 18 लीटर के, तो काफ़ी बढ़िया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अपना डिस्काउंट लिंक है, ये आपको 2000 के आसपास ही मिल जाएगी। 2000 में टैंक बैग बहुत अच्छी चीज़ है, यूजुअली इतनी सस्ती होती नहीं है। तो यूज़ दैट लिंक अगर आपको अच्छी बड़ी टैंक बैग खरीदनी है जो एज अ टैंक बैग और टेल बैग दोनों का काम करे। और हाँ, वो लिंक अगर आप क्लिक करते हो नीचे की, तो उसमें आपको विंडशील्ड भी दिखेगी एक्सपल्स की, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो उसको जीरो कर देना और इसको वन कर देना या दो कर देना, जो भी चीज़ आपको खरीदना है उस हिसाब से आप सिलेक्ट करके इसकी पेमेंट कर सकते हैं और ये आपको घर पर आ जाएगा। जब मैं जंस्कर से आया था तब ये टेबल जो था ये खाली था, आपने देख लिया। अभी देखो टेबल पर कितना सामान पड़ा हुआ है, पता नहीं मेरे से क्यों ऐसा हो जाता है। मैंने सोचा कि रखा था कि भाई टेबल जितना हो सके खाली रखूंगा, लेकिन नहीं, ये देखो। चलो ठीक है, कोई नहीं। सो राइट नाउ आई हैव टू गो टू सर्विस माय कावासाकी वर्सेस 300 तेंदुआ। तेंदुए की सर्विस शेड्यूल है, तेंदुए की सर्विस मैंने की थी उत्तराखंड राइड के पहले, मतलब उत्तराखंड राइड में 3500 किलोमीटर चली और वाइजैक के राइड में 3500 किलोमीटर चली। और बाइक का ना कैम टेंशनर थोड़ा मेरा ख़राब हो गया, तो आई थिंक वो थोड़ा हल्का सा एक नॉकिंग जैसा साउंड आ रहा है, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि उसको चेंज करना पड़ेगा, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। कब का आके रहा था, एक्चुअली मैं जंस्कार में था तभी वो कैम टेंशनर आया था। तो अभी जाएंगे कैम टेंशनर चेंज करवाएंगे और खर्चा बढ़ेगा लेकिन। और आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो है हमारे रोड के नए माइक अडाप्टर का जो लगा है हेलमेट के माइक में। तो यहाँ पे तो आपको आवाज़ अच्छा आ ही रहा होगा, असली टेस्ट करेंगे स्पीड में 70-80 के ऊपर, क्योंकि वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखो अपने बाइक का ओडो हो गया है 40,408 किलोमीटर। चलो सबसे पहले ऑयल ले लेंगे। और मैं कावासाकी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब जो है उनका वर्कशॉप ही है वहाँ पे, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक ही बात है, अपने को मैकेनिक जो है वो सेम चाहिए। मोटल नहीं, लिक्विड मोलिट 1040। हाँ हाँ, डिसम्बर, ठीक है, डन। 10W40 स्ट्रीट रेस कर दो। चलो पेट्रोल भरते हैं। सुनने में आया पेट्रोल का प्राइस कम हो गया है, क्या बात है, 111। ओहो, ये मोटो व्लॉगिंग है जो राइडिंग है इसमें खर्चे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अभी आप लोग जो लोग करते हैं और जो लोग यूट्यूब करते हैं उन लोगों को पता है, ये मोटो व्लॉगर के लिए खर्चे कभी ख़त्म होते ही नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होते। ऊपर से राइडिंग के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे, वो सब अलग। और इतना सब करने के बाद जब हम कोई छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप करते हैं या पेड प्रमोशन करते हैं तो लोग एकदम उंगली उठाते हैं, देख तूने पेड प्रमोशन किया। अभी पैसों का झाड़ तो है नहीं, पैसा तो कमाना पड़ेगा, राइट। और मेहनत कर रहे हैं ना, क्या फोकट में थोड़ी कमा रहे हैं, किस किस को समझाएंगे। तो दोस्तों अभी देखो अपन 80-85 की स्पीड पे है, स्पीड और बढ़ाएंगे 90, ये लो 100। कितनी जल्दी 100 आ जाती है यार, बादल पे बैठ बैठ के ना मैं 100 पे जाने का सोचता भी नहीं था। और ये देखो आपका आवाज़ अभी डिस्टर्बेंस आ रही है कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप सुन के कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा सैडल करता हूँ, देखो अभी हवा ज़्यादा लग रही है, तो कैसी आपकी आवाज़ आ रही है बताइए। चलो बहुत हो गई टेस्टिंग, अभी जाते हैं सीधा शॉप पे चेंबूर। ऑलरेडी 3 बज गए यार, सुनने में आया कि मुंबई में रॉन्ग साइड में डाला तो FIR हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। 2:30 बजे पहुँचने वाले थे, 3:30 बज गए। ये देखो ये अपना कैम टेंशनर जो अपना ख़राब हो गया, तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ये देखो ये वाला। तो ये देखो ये अपना एयर फिल्टर, लास्ट टाइम लद्दाख के बाद ही अपन ने चेंज किया था,
ज़्यादा गंदा नहीं है, बस इसको वॉश करना है और नॉर्मल अपना सर्विस है। और थोड़ा सा अर्जे पुर्जे पे देख लो यार, थोड़ा वाइब्रेशन जैसा फील होता है मुझे आजकल। तो ये देखो अपने गाड़ी का टैंक अभी खुल गया और ये बाप रे, पूरा सरसों का मिट्टी लग रहा है मेरे को पिछले साल का। ऐसे वॉश करा दो क्या ऐसे पूरा निकल के? वो गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। हाँ वो लेके जाके मैं कर लूँगा, उसका टेंशन नहीं आपको। अगर मैं ऐसे खोल के पूरा वॉश करा दूँ तो गाड़ी एकदम अंदर से अच्छा हो जाएगा और एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी आपको, अच्छी हो जाएगी। बहुत गंदी अंदर हो। हाँ ना, बहुत ही गंदी हो गई यार। सो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन कर लेंगे क्योंकि हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा है फुटपेक पे और हैंडल बार पे। तो थ्रॉटल बॉडी आई डोंट थिंक अभी क्लीन किए गए, आई एम नॉट श्योर। तो ये देखो ये निकल गया अपना थ्रॉटल बॉडी। एक इंसान के शरीर से दिल कैसे निकालते हैं ना, उसको टाइम लगता है। वैसे ही डॉक्टर साहब ने, इतना गंदा नहीं हो शरीर, काला हो गया अंदर। क्योंकि वो जो काम करना है ना थ्रॉटल बॉडी क्लीन करके ही काम होता है। क्या क्या रहता है मालूम भी नहीं मेरे को, ऐसा रहता है पहली बार देख रहा हूँ। अभी तो और काम देखो, अभी तो आपको समझेगा, अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। और क्या करना है अभी? बहुत कुछ करना है उसमें। अच्छा इसमें? और यहाँ पे अपना थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो रहा है पेट्रोल से। कैसा हालत हो गया यार, तो चिकट चिकट एकदम अजीब सा हो गया ना। अरे तुम तो फ्रेश लग रहे हो एकदम। देखो अभी कैमरा में, देखो कैमरा में क्या है। अरे कैमरा में सच्चे दिखती है देखो। तो ये देखो अभी दिल लग रहा है गाड़ी के जान में, नहीं जान में क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ। एक काम क्या करता है, अंदर चैन है ना जो, हाँ। ये चैन को पूरा ढकेल के रखता है। तो ये क्या करता है, जब गर्म हो जाता है ना तो ये ऐसा लूज हो जाता है। तो चैन को टाइट नहीं, तो चैन लूज हो जाती है ना, हाँ। तो कट 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 आवाज करने लगता है। तो इसके अंदर स्प्रिंग, उसका टेम्पर ना कम हो जाता है हीट की वजह से। तो ये खाली पीछे का, तो ये स्क्रू खोल दूंगा और थोड़ा उसको यहाँ से सेटिंग करेंगे ना तो आवाज बंद हो जाता है, वापस कुछ टाइम में वापस चालू हो जाता है। हाँ ये खराब ही हो गया। वैसे मुझे लगा था एक दो घंटे का काम है, लेकिन चार घंटे लग गए, और शायद आधा घंटा लगेगा, पता नहीं। और आधा घंटा लगेगा और ज़्यादा लगेगा। 8 बज जाएंगे आज, 8-9 मत बोलो यार। ये देखो भाई दुनिया कितनी आगे चली गई है भाई, थ्रॉटल बॉडी चेक करने के लिए भी मशीन है। ये देखो किधर से लाते हो ये सब, ये जो सिलेंडर है ना अपने, देखो अप डाउन हो रहे ना ये, हाँ। ये दोनों सिलेंडर एकदम इक्वल चाहिए। इसमें चार सिलेंडर का भी दिखता होगा। हाँ, फोर सिलेंडर। क्या बात, तो अपना ट्विन सिलेंडर है तो इसके लिए ट्विन, अपना ट्विन है इसलिए ट्विन। ये देखो तो अपने इसकी टेस्टिंग हो गया, दोनों सिलेंडर बराबर चल रहे हैं। अब थोड़ा बढ़ाओ तो साथ में नीचे जाना चाहिए, साथ में ऊपर आना चाहिए, तो वो हो रहा है सही है। पिछले 40,000 किलोमीटर मतलब 3 सालों की मिट्टी है ये पार्ट, हमने कभी खोला ही नहीं। और लास्ट टाइम खोला था तो इतना गंदा था नहीं वो। तो आप लोग भी अगर लद्दाख जाते हो, जंस्कार जाते हो, स्पीति जाते हो, यहाँ पे बहुत धूल है, तो एक बार चेक कर लेना नेक्स्ट मेजर सर्विस में, ये पार्ट चेक कर लेना। और 9 बजेंगे अभी भी, और टाइम लगेगा। ठीक है, आज का पूरा दिन तेंदुए के नाम। तो अपना तेंदुआ जा रहा है अभी वॉश के लिए, इसके अंदर का जो टैंक के नीचे का पार्ट है वॉश करेंगे। तो सब कुछ उसको स्क्रू लगाए नहीं है, बस डॉक्टर साहब जाएंगे वॉशिंग करवा के वापस आएंगे और उसके बाद सर्विसिंग खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आज तो भाई गए काम से, 7:30 यहीं बज गया, 9 बज जाएंगे। चलो चाय वाय पीते हैं। ये देखो एकदम चकाचक कितनी गंदगी थी और अभी देखो कितना साफ हो गया। टाइट क्लिप देना इसको, पूरा टाइट क्लिप मारना, ये बार बार इधर आ रहा ना इसका वायरिंग। ये देखो भाई दोपहर की रात हो गई, अभी भी काम शुरू है। ये देखो टाइम 9 बज ही जाएंगे, आपने बोला ही था। और पता नहीं यहाँ पे कुछ तो काम शुरू है शायद, इसलिए लाइट जा रही है, बार बार जा रही है। वैसे मेजरली सब काम हो गया, बस छोटा मोटा चालू है। तो अपने बाइक का काम हो चुका है ख़त्म। अरे लाइट में आओ थोड़ा। अभी हमने जब एक्सपल्स के बागबस्टर्स लगाए थे तब काफ़ी लोग सुनील भाई के यहाँ पे आए थे। आपको अगर आपकी गाड़ी का काम कराना है, कोई भी टाइप की गाड़ी हो, स्पेशली बड़ी गाड़ी जैसे 300 cc के ऊपर वाली, तो आप बिंदास आग बंद करके यहाँ पे आ सकते हो। मतलब आग खुला रख के आओ और यहाँ पे आग बंद करके रह सकते हो। सुनील भाई का काम बहुत बढ़िया है यार, अपन मेरे गाड़ी को दूसरा कोई हाथ नहीं लगाता, ये लगाते हैं। तो पाल ऑटो गराज चेंबूर कैंप नवजीवन सोसाइटी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। आपके गाड़ी का कोई भी काम हो बिंदास आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को एक्सपल्स का स्टैंड का कुछ जुगाड़ करने गए। हाँ लेके आओ, करके देता हूँ उसको, तो मैं लेके आता हूँ, वो करता हूँ, करके देता हूँ। सर्विस तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो फ्री है ना, नो प्रॉब्लम। सर्विस उसके बाद करेंगे अपन, डन। चलो वाइब्रेशंस तो कम हो गए, एक्चुअली कम हो गए रे। खर्चे की बात करें तो कैम टेंशनर ही 7,000 रुपये का है भैया, उसके ऊपर थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, सर्विसिंग, एक दो छोटे मोटे पार्ट्स रिप्लेस, जैसे वो नट बोल्ट, ये सब चीज़ें कंज्यूमेबल्स। तो सोच लो खर्चा कितना हुआ होगा, सोच लो। मेरे को तो टेंशन आ रहा है,
सही में मुझे ए दीदी, अरे दीदी किधर से किधर टर्न मार रही हो? क्या यार? अच्छा दीदी नहीं भैया चला रहे। सबसे मेन वाइब्रेशन थे मेरे फुटपेक पे, वो वाइब्रेशन ऑलमोस्ट गायब है। मैं अगर ऐसे भगाता हूँ ना तो इमीडिएटली आते थे, अभी तो बिल्कुल नहीं आ रहे। जो जितना आ रहे हैं उतना नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। वैसे मैं 15-20 सालों से बाइक चला रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बाइक रिपेयरिंग और ये सब चीज़ें मैंने करवाई है। एक चीज़ मैंने सीखी है कि जो भी तुम्हारी बाइक हो, लेट इट बी 100cc और 1000cc, आपका जो मैकेनिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो मैकेनिक है वो मोस्टली एक ही होना चाहिए, मतलब एक आदमी जिस पे आप ट्रस्ट कर सके और फिर उसी के पास जाने का। तो एक अच्छा मैकेनिक रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जाओगे तो मेरा रेफरेंस देना मत भूलना। चलो जाते हैं घर पे, अभी तो बाहर से खाना करना पड़ेगा अरेंज, अभी 10 बज गए। क्या बात है, और फायरिंग इतनी स्वीट हो गई यार तेंदुए की, देखो ना हल्का सा नॉकिंग था वो गायब हो गया और फायरिंग एकदम बटर स्मूथ हो गई। तो मैंने 40,450 किलोमीटर पे सर्विस कराई, ये व्लॉग से मुझे याद रहेगा, ना तो मुझे याद ही नहीं रहता है। चलो ठीक है। लो भाई साहब, पैकिंग करते करते मैं तो ये भूल ही गया कि ये टॉप बॉक्स को मैं वर्सेस पे कैसे चढ़ाऊंगा। जो बेस प्लेट है वो तो बादल पे है, तो जंस्कर राइड के टाइम पे मैंने चेंज करी थी, तो वो पहले चेंज करना पड़ेगा। अच्छा वो अभी याद है, ना तो पता चलता कल सुबह याद आता ना। तो यहाँ पे देखो ये प्लेट निकालने का मैं काम कर रहा हूँ और ये सब निकल गया, बस ये स्क्रू ना, ये स्क्रू बहुत तकलीफ दे रहा है मेरे को। पता नहीं इसको क्या हो गया, जैम हो गया, समझ भी नहीं आ रहा, इतना तकलीफ दे रहा है ना। देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा डैमेज हो गया उसकी वजह से। तो निकल गया अपने टॉप बॉक्स की प्लेट, ये देखो कितना गंदा है, बाप रे इसके नीचे भी बहुत गंदा है यार। और ये जाएगी अभी यहाँ पे इसके ओरिजिनल स्थान पे। चलो भाई, अपने टॉप बॉक्स की प्लेट भी लग गई, चेन भी ल्यूब हो गई, एक राउंड भी मार के आ गया, चेन गर्म भी करके आ गया और अभी जस्ट इसको थोड़ा चालू रखा है। बस एक फाइनल चेक कर लेता हूँ कूलेंट लेवल, ये सब चीज़ें। वैसे तो इंजन ऑयल नए ही है तो कोई टेंशन नहीं है, सर्विसिंग होगी। तो यूजुअली मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि 4 या 5 बजे तक निकल जाऊँ, बट इवेंचुअली क्या होता है कि कुछ ना कुछ होते रहता है गड़बड़ और फिर 6 या 7 बज जाते। तो आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट, इसलिए ये सब काम मैं अभी से करके रख रहा हूँ ताकि कल सुबह अगर कुछ बज भी गया तो उसमें ज़्यादा टाइम ना जाए। और जो अपनी नई टैंक बैग है, टैंक बैग कम टेल बैग इनस्किप की, वो मैं पीछे लगाऊंगा। तो पहले अभी से जाके पीछे उसका स्ट्रैपिंग ये सब करके रखता हूँ ताकि कल सुबह डायरेक्टली मेरे को उसे लगाना है और निकल जाना है। अभी मैं राइड से आया हूँ और अभी वापस से राइड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वापस मैं वही जोन में जा रहा हूँ, विच इज़ ऑल्सो गुड। मुझे मजा आएगा, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है। तो ये देखो अभी बजे 9:15 और मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग डन है, और अभी छोटे वाली जो टैंक बैग है वो सामने रहेगी क्योंकि ये ले जाना मुझे पड़ेगा। मैंने पहले सोचा था कि इसी से काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें कैमरा ये वाला और फिर ट्राईपॉड वो सब भी डालना पड़ेगा। तो ये टैंक पे रहेगी, छोटी है इसीलिए इसको टैंक पे रख देंगे, और ये बड़ी है तो इसको मैं पीछे आराम से लगा दूंगा। और ये रहा अपना टॉप बॉक्स, इसमें मेरा मेजर सब सामान है, मतलब सब कपड़े और एडिशनल जो भी जूते वूते सब कुछ इसी में है। अरे देखो हालत क्या हो गई, दोपहर से मैं ये पैकिंग के चक्कर में पड़ा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, बस नेक्स्ट व्लॉग से आपको राइडिंग का प्रॉपर वीडियो दिखेगा। अभी कहाँ जा रहा हूँ वो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे तो बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है आपको कुछ ही दिनों में, तो बस राह देखना। आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर इट, लेकिन कैसा है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर पहुँच के मैं उसको आउट करूंगा, आपके सामने बताऊंगा। तो गेस कर सकते हैं क्या है, वैसे काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया था लास्ट टाइम, काफ़ी बार मैंने हिंट्स दिए आपको। सो दैट्स इट, मिलता है आपसे अगले ब्लॉग में, तो खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे लाइव अपडेट्स शुरू है। शायद मैं मीटअप वीटअप भी रखूँ आने वाले दिलों में, तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे रख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जरूर।